एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी पुराने स्वेटर से कैसे हम दो काम की चीज 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट। स्वेटर पिलो कवर बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी कुशन को ले लीजिए और स्वेटर पे रख कर मार्किंग कर लीजिए। अब मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्वेटर को उल्टा करेंगे। अब हम ये जो खुला पोर्शन है यूं ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से स्टिचिंग लगा लिया है। अगर आपका चेन छोटा है तो आप साइड से भी दोनों तरफ ऐसे स्टिच लगा सकते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर दिया है और अब इसके अंदर हम कुशन को डाल देंगे। अब हम यहां से स्टिच लगा लेंगे। और अगर आपको स्टिचिंग नहीं करना है तो एक और आइडिया मैं बताती हूं। आप यहां से बटन लगा कर भी पिलो कवर बना सकते हैं। और बटन स्वेटर पिलो कवर बनाने का वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है, आप देख लीजिएगा। स्टिचिंग हो गई है और स्वेटर पिलो कवर बनकर तैयार है। अब बचे हुए स्वेटर से हम बच्चों के लिए पजामा बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोनों स्लीव्स को कट कर लेना है। अब दोनों स्लीव्स को एक के ऊपर एक रख कर ऐसे बराबर कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब इस बचे हुए पीस में से साइड का पोर्शन हम कट कर लेंगे। इस पीस से
अब हम पजामे का बेल्ट बनाएंगे। इसे भी हाफ करके कट कर लेंगे। और इन दोनों पीसेस को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब स्लीव्स को उल्टा करके यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अब ये दोनों स्लीव्स के स्टिचेस हमने रिमूव कर लिया है, या आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं यहाँ तक दोनों स्लीव्स को। अब इसके बाद ये दोनों को ऐसे मिलाकर स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड भी ये दोनों ऐसे स्टिच कर लेना है। अब मैं इसे दोनों साइड स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। अब ये दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ स्टिच कर लेना है और इस पीस को इस पे यूँ लगाकर ऐसे पूरे गोल में स्टिच कर देना है। तो ये मैंने स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। तो इलास्टिक डल गई है और छोटे बच्चों के लिए पजामा बन गया है। तो आशा करती हूँ इस स्वेटर DIY से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा और वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेरी और नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई आइडिया के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।